गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ दिव्या, आई टीच यू बिजनेस कम्युनिकेशन इन सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द थ्री पेपर्स। बिजनेस कम्युनिकेशन इज एन आर्ट दैट कैन बी लर्न एंड डेवलप्ड। नो वन इज बॉर्न एज अ गुड कम्युनिकेटर, यू गोन अ वर्क एट इट। इन बिजनेस कम्युनिकेशन वी लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इन आवर बिजनेस। Business communication is the totality of your facial expressions, your body language, your eye contact, and your voice tone. For effective communication, the most important part is effective listening. Effective communication starts with effective listening. जितना ज़्यादा आप ध्यान से सुनेंगे, उतना ही effective आप communicate कर पाएंगे. क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके boss ने आपको order दिया कोई रिपोर्ट बनाने का, उसने आपको 4 से 5 की पॉइंट बताए उस रिपोर्ट को बनाने के लिए, तो क्या आपने वो ध्यान से सुने? अगर आपने वो ध्यान से सुने तो उतनी ही इफेक्टिव आप रिपोर्ट बना पाएंगे और उतना ही इफेक्टिव आप रिजल्ट दे पाएंगे। इसीलिए इफेक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव रीडिंग, कितना आप इफेक्टिवली रीड कर रहे हैं। इट ऑल्सो एनरिच योर वोकैबुलरी एज वेल एज योर एनालिटिकल स्किल्स। इसमें आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए पैसेज आते हैं उसको आपको केयरफुली रीड आउट करना होता है। एमसीक्यू बेसिस पर आपके क्वेश्चन आते हैं, इसको भी हम ध्यान से स्टडी करेंगे अपने कोर्स करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज योर राइटिंग। इन राइटिंग वी लर्न हाउ टू राइट द लेटर एज वेल एज हाउ टू राइट इन ईमेल। क्योंकि आज के टाइम पे जितना भी कम्युनिकेशन होता है बिजनेस कम्युनिकेशन रिटन में प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें हमारे पास रिकॉर्ड में रहती हैं। तो इसलिए राइटिंग सेशन पर आपका बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। दैट इज योर कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट पर आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक बार एक महाराज थे, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपना हाथ दिखाऊं। उन्होंने अपना हाथ दिखाने के लिए एक ज्योतिषी जी को बुलाया। ज्योतिषी जी ने उनका हाथ देखा और हाथ देख के बोले, महाराज आपकी एज बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी एज बहुत कम लोगों को मिलती है और आप अपनी एज से इतना परेशान हो जाओगे क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी बॉडी में वीकनेस आती जाएगी, तो इसीलिए आप बहुत परेशान हो जाओगे इतनी बड़ी एज से। तो महाराज जी को बहुत गुस्सा आया। अब उन्होंने सोचा कि मेरे ही स्टेट में रह रहा है और मेरे ही अगेंस्ट बोल रहे हैं, मेरे बारे में ही नेगेटिव सोच रहा है, तो उन्होंने उसे अपने स्टेट से बाहर निकलवा दिया। अब उनके माइंड में एक डाउट आ गया तो उन्होंने एक और ज्योतिषी जी को बुलाया। अब दूसरे ज्योतिषी जी ने जब महाराज का हाथ देखा तो उन्होंने कहा, महाराज आपकी एज इतनी बड़ी है, इतनी एज किसी लकी पर्सन को ही मिलती है कि आप अपने आने वाली जनरेशन को भी एंजॉय कर पाओगे। तो महाराज सुन के बहुत खुश हुए कि मतलब मैं इतना लकी हूं। अब देखो दोनों बातों का कंक्लूजन एक ही निकला कि एज बड़ी है, बट कहने के तरीके में डिफरेंस था, आपकी बात प्रेजेंट करने के तरीके में डिफरेंस था। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में हम यही देखते हैं कि किस तरह से हमें अपनी बात को प्रेजेंट करना है, कैसे अपनी बातों कम्युनिकेट करना है। जैसे अगर पानी का गिलास आधा भरा हुआ है तो कुछ लोग कहेंगे आधा भरा हुआ है, कुछ कहेंगे आधा खाली है। तो कितना पॉजिटिव वे में हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कितना इम्पैक्ट दे रहे हैं, ये बात बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत मैटर रखती है। अब आते हैं हम आपके कोर्स कंटेंट पे। आपके कोर्स कंटेंट में जो फर्स्ट पार्ट रहता है एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, इन दिस टॉपिक विल कवर योर ग्रामर पार्ट, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, एज वेल एज विल कवर योर सेंटेंस एंड पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन एंड एनरिच योर वोकैबुलरी ऑल्सो। The next session is your communication. In communication part, we'll learn how to communicate, what is business communication, what are the types of communication, and what are the barriers in business communication, and what are the principles we should use in business communication, and how can we overcome to these barriers. The next topic is your business correspondence. In business correspondence, we'll learn how to write the letters, how to write reports, as well as how to write an email. The next topic is business terminology. In business terminology, we'll learn different type of terms which will be used in business. Like that, your accounting terms, your marketing terms, HR terms. इसमें हम आपकी सारी business की terms cover करते हैं. That is most important part. उसके बाद
आज हम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन का, जोहरी विंडो। जोहरी विंडो इज वेरी हेल्पफुल मॉडल इन सेल्फ अवेयरनेस, इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज इट ऑल्सो इंक्रीज योर टीम बिल्डिंग स्किल्स। जोहरी विंडो मॉडल डेवलप कैसे हुआ? जोहरी विंडो मॉडल वॉज डिवाइज बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुप एंड हैरी इनहेगम इन 1955। अब इसका नाम जोहरी ही क्यों पड़ा, इस मॉडल का नाम जोहरी ही क्यों पड़ा? तो दोनों फाउंडर्स ने अपने नाम के कुछ कुछ वर्ड्स जोड़कर इसका नाम जोहरी विंडो रख दिया, जो प्लस हैरी जोहरी विंडो। इसमें हम देखते हैं कि जोहरी विंडो के मॉडल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। जोहरी विंडो मॉडल का यूज आप करते हैं अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करने में, अपने टीम डेवलपमेंट में, टीम बिल्डिंग में, ग्रुप डायनेमिक्स में, और कैसे आप कंफ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब इस मॉडल में होता क्या है, इस मॉडल को आपने फोर क्वाड्रेंट में डिवाइड किया हुआ है, ओपन, ब्लाइंड, हिडन एंड अननोन। नाउ विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन इज ओपन, ओपन एरिया। इन ओपन एरिया क्या रहता है, देखो ऐसी बातें जो आपको भी अपने बारे में पता है और सामने वाले को भी आपके बारे में पता है। ऐसी है कोई बातें, जैसे आपका कलर, आपकी हाइट, आपका ऑक्यूपेशन, जो चीजें दोनों को क्लियर है, आपको भी और दूसरों को भी, वो आपके ओपन एरिया में आती है। नेक्स्ट वन इज आपका रहता जो है वो है ब्लाइंड सेल्फ। ब्लाइंड सेल्फ में आप देखते हैं कि कुछ ऐसी बातें जो मुझे नहीं पता पर दूसरों को पता है। क्या कुछ ऐसी बातें हैं आपकी लाइफ में जो आपको अपने बारे में नहीं पता पर दूसरों को पता है? जी हाँ, ऐसी कुछ बातें भी होती हैं। जैसे आप लगा लीजिए आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, आपको कभी फील नहीं होगा आप ज्यादा बोलते हैं, पर दूसरे उस चीज को एनालाइज कर लेते हैं, या बोलते हुए कुछ सोचते नहीं है कि मुझे कैसे बोलना है। आपकी ऐसी कुछ वीकनेसेस जो आप अपने बारे में जल्दी नहीं पहचान पाते पर दूसरे उस चीज को जल्दी पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए हमें अपने ब्लाइंड एरिया को कम करना होता है। वो हम कैसे कम कर सकते हैं, हम दूसरों से फीडबैक लेकर, टाइम टू टाइम पे हम अपनी टीम से, अपने पीयर ग्रुप से, अपने सीनियर से फीडबैक लेकर हमें अपने ब्लाइंड एरिया को कम करना होता है, जिसकी हेल्प से हमारा ओपन एरिया बढ़ पाए। नेक्स्ट क्वाड्रेंट आपका रहता है हिडन एरिया। हिडन एरिया में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको अपने बारे में पता है पर सामने वाले को नहीं पता। ऐसी कौन सी बातें हैं? बहुत सारी बातें होती हैं हर एक की लाइफ में जो आपको अपने बारे में पता है, जो आपने अपने दिल में रखी हुई है पर दूसरों को उनके बारे में नहीं बताया हुआ। जैसे मान लीजिए आपकी कुछ फीलिंग्स है, या फिर कुछ वीकनेस जो आपको पता है दूसरों को वो नहीं दिख रहा, या फिर आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है जो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वो आपके हिडन एरिया में रहते हैं। द नेक्स्ट क्वाड्रेंट इज योर अननोन एरिया। अननोन एरिया में ऐसी चीजें आती हैं जो ना तो आपको पता है अपने बारे में, ना ही दूसरों को पता है। ऐसी कौन सी बातें हो सकती हैं जो ना मुझे पता है और ना ही आपको पता है? आप देखिए कुछ ऐसी चीजें, देखिए फ्यूचर अनसर्टेन रहता है, क्योंकि फ्यूचर में जो सिचुएशंस आएंगी आपको नहीं पता मेरे फ्यूचर में क्या सिचुएशन आने वाली है और मैं उन्हें कैसे टैकल करूंगा, मेरे अंदर क्या हिडन टैलेंट है, वो चीजें आपको कई बार नहीं पता चलती, वो जब सिचुएशन आती है तब आपको पता चलती है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके जो हिडन टैलेंट होते हैं वो आपको नहीं पता होते। तो इस तरह से जोहरी विंडो को फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया। अब एक न्यू टीम मेंबर जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसके लिए जोहरी विंडो किस तरह से बनती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हम देखें, ओपन एरिया बहुत कम रहेगा क्योंकि अभी नया नया आया है, अपनी बातें किसी को उसने नहीं बताई, ना दूसरों ने उसके बारे में जाना, तो ओपन एरिया बहुत कम है। ब्लाइंड एरिया भी कम है क्योंकि कोई किसी की वीकनेस इतनी जल्दी नहीं पता लगा पाता। हिडन एरिया बहुत ज्यादा है, नया नया एम्प्लॉय आया है, बहुत सारी बातें उसके दिल में छुपी हुई हैं जो उसने अभी तक दूसरों को शेयर नहीं की है। अननोन एरिया भी बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी न्यू एम्प्लॉय है, फ्यूचर में क्या सिचुएशंस होंगी, कैसे वो उन्हें टैकल करेगा, अभी उसे कुछ नहीं पता। अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है तो उसके लिए जोहरी विंडो कैसी बनेगी,
ओपन एरिया वाइड रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप डिस्क्लोज कर चुके हैं, दूसरों को भी पता चल चुका है कि आप किस तरह से काम करते हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है। टाइम टू टाइम पे आप उनसे फीडबैक लेकर अपना ब्लाइंड एरिया कम कर चुके हैं। हिडन एरिया देखिए, हर एक पर्सन की लाइफ में रहता है, बहुत सारी चीजें आप शेयर नहीं करते। और अननोन एरिया, क्योंकि आप वहां पे काफी टाइम से काम कर रहे हैं, आपको पता है मेरे फ्यूचर में क्या सिचुएशंस आएंगी यहाँ पे काम करते करते, तो आप उन्हें पहले से ही एडजस्ट करना सीख चुके हैं। तो अब जोहरी विंडो हम क्यों सीख रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें मेन चीज होती है आपको अपने ओपन एरिया को इंक्रीज करना है, तीनों क्वाड्रेंट्स को कम करते हुए। आपको अपने ब्लाइंड एरिया को कम करना है, टाइम टू टाइम पे फीडबैक लेना है अपने कलीग से, अपने सीनियर से, अपने सबॉर्डिनेट से, ताकि आप अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव कर पाए। आपको अपने हिडन एरिया को कम करना है, आपके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, वो दूसरों से शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतने ही आपके रिलेशंस अच्छे बनेंगे, उतने ही कंफ्लिक्ट कम होंगे, उतना ही आप दूसरों से जल्दी मिलकर काम अच्छे से कर पाएंगे ग्रुप में। और अननोन एरिया को भी आपको कम करना है, आपको अपने हिडन टैलेंट्स को पहचानना है कि फ्यूचर में अगर क्या सिचुएशन आएगी और मैं उसे किस तरह से हैंडल करूंगा, तो आपको अभी से वो देखना है कि मेरे अंदर क्या ऐसे टैलेंट हैं जो मुझे अभी बाहर निकालने की जरूरत है। तो इस तरह से आपकी बहुत हेल्प करती है जोहरी विंडो आपकी कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, और आपकी सेल्फ अवेयरनेस में, और आपके इंटरपर्सनल बिहेवियरल रिलेशनशिप को इम्प्रूव। सो दैट्स ऑल अबाउट जोहरी विंडो मॉडल। विल कवर सम मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।